सो गाइस आज हम देखने वाले कैसे फ्रैंकलिन एलिमेंटल स्पाइडरमैन के सूट को अलग अलग डायमेंशन में जाके ढूंढता है और उसे कौन कौन से विलन का सामना करना पड़ता है और कैसे वो उन लोगों को हराता है। तो चलिए देखते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी करो, और वीडियो के अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई मैंने कह दिया ना मुझे कोई लोन भी नहीं चाहिए, मेरे पास अच्छे खासे पैसे है, मेरी जॉब भी है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? फोन रखो ना। एक तो मैं यहाँ पे रिसोर्ट में खाना खाने के लिए आया हूँ, पता है तुम्हें कितना एक्सपेंसिव है? अरे सर मुझे पता है, प्लीज आप थोड़ा सा लोन ले लो ना। अरे अजीब बंदा है गाइस ये, लोन लेने के लिए कैसे भीख जैसी बातें कर रहा है। अरे भीख मैं तुमको दे रहा हूँ, तुम मुझे नहीं। क्या बोला तूने? कॉल रख बेवकूफ कहीं का। हाँ नहीं तो मुझे लगा सबसे इम्पोर्टेंट कॉल है, और ऊपर से गाइस इन लोगों की बातें तो देखो ना, जैसे कि गाइस कोई प्राइम मिनिस्टर मेरे से बात कर रहा है। आइए सर बाहर आइए, थोड़ा दूर हो जाइए, इधर खड़े रहिए, इसीलिए मैं उनको बाहर जाके मस्त गालियां देके आया हूँ। वैसे यार अब इतना समय हो ही गया है तो चलो खाना ही खा लेता हूँ। वेट, ये तो चौपे, ये यहाँ पे क्या कर रहा है? एक काम करता हूँ छुप के देखता हूँ, हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए गाइस, लेकिन ये चौप कब से बाहर आए जा रहा है? इतना महंगा होटल है और ऊपर से बाहर क्यों आ रहा है? चलो मैंने डिक्की में रख दिया, बहुत बढ़िया खाना है, अब यहाँ पे मैं चलो फिर से खाना खा के आता हूँ और इसके अंदर डाल दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये देखो यहाँ पे आंटी है, भाऊ 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 भाऊ। अरे बेटा तुझे जो चाहिए ले ले। अरे यार इसके टेबल के ऊपर कोई खाना ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जितना भी सामान था चलो गाड़ी के अंदर डाल दिया, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैंने खाना चोरी किया है। चलो हाँ चौप के बच्चे अब बोल, क्या बोल रहा था? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। झूठ मत बोल मेरे से, मैंने सारी चीजें सुन ली है। तू इतनी बड़ी होटल के अंदर आके खाना चुरा रहा है? एक बार गाइस चेक करता हूँ इसने गाड़ी के अंदर क्या क्या डाला है, ठीक है ये वाला डोर ओपन करके देखता हूँ। अबे यार चौप तूने ये क्या कर दिया, इतना सारा खाना क्यों चुराया तूने? पूरी ओपी ने तो कहा था अनलिमिटेड डिनर, $450 के अंदर अनलिमिटेड खाना, तो मैंने सबका खाना चुरा लिया, क्या गलत किया इसमें? घर पे लेके जाऊंगा खाना खाऊंगा। अरे चौप के बच्चे अनलिमिटेड खाना मतलब उसी टेबल के ऊपर खाना खाना होता है, ना कि दूसरों का खाना चुराना होता है। चोर के बच्चे। अरे यार चोर मत बोलो, मेरे को क्या पता ऐसा कुछ होता है, मैंने सारे टेबल के ऊपर का खाना चुरा लिया। अबे यार लेकिन इतना सारा सामान ये कहाँ पे चला गया? अभी अभी तो यही पे तो था। ओए बच्चो तुम्हारा नाम है क्या? फ्रैंकलिन। अरे ये तो वही वेटर है, चौप ये मेरे से ही पैसा लेगा। अरे दे देना। क्या दे देना, मेरे पास पैसा नहीं है। चोर के बच्चे जल्दी बैठ। चलो मैं बैठ गया, निकलते हैं। ये क्या तू भी हो फ्रैंकलिन? रुको। होश फाइनली निकल आया। चौप तेरी ऐसी की तैसी भाई, अनलिमिटेड वाला खाना होता है टेबल के ऊपर खाना होता है, ना कि दूसरों का टेबल लेके घर लेके जाना होता है चोर कह के। अरे अब तो अब मुझे चोरी कहोगे, मेरी ये नादानी थी। अबे ऐसी कौन सी नादानी करता है, क्या है गाइस इसको तो कुछ भी समझ में नहीं आता। अब तो अब मुझे चोर का थप्पा लगा दोगे? अब तो वही बोलूंगा, आगे से याद रखना ठीक है? ओके ओके। अब ये किसका कॉल आ रहा है, एक तो दिमाग वैसे ही पागल है। अरे अरे ये इंसान भाग क्यों रहे समझ में नहीं आ रहा। टोनी अब क्या हो गया? फ्रैंकलिन जल्दी से जल्दी मैंने जहाँ पे जो लोकेशन बताई है वहाँ पे आ जाओ। अरे वेट लोकेशन तो देख लूँ। अरे ये लोकेशन तो बहुत दूर है। जल्दी जल्दी आ जाओ। वैसे मेरे पास पेट्रोल के पैसे नहीं है। मैं दे दूंगा, जल्दी आ जाओ, बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अरे हाँ जल्दी आ जाओ फ्रैंकल अंकल, मैं भी यहीं पे हूँ। चिंचैन तुम भी यहीं पे हो? लगता है गाइस बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओके टूनी मैं आ रहा हूँ ठीक है। ओके जल्दी आ जाना। क्या यार गाइस, एक तो मैं अनलिमिटेड डिनर वाली डिश को खा ही नहीं पाया, ऊपर से ये चौप ने चोरी अलग की। पूरी चोरी नहीं नादानी बोलते है। हाँ हाँ वही वही उसे चोरी ही बोलते बेवकूफ। अरे यार आगे से मैं नहीं करूंगा। हाँ ठीक है रोना बंद कर दे, खाली फुकट मेरा पेट भी भरा नहीं है ठीक है। अब देखते हैं टोनी स्टार्क को क्या हो गया। भाई ये डेली का हो गया टोनी का, उसको बोलूंगा भाई मेरे को ऐसे तंग किया मत कर। वैसे भी यार अगर मैं उसकी हेल्प नहीं करूंगा ना तो वो मेरे को तोड़ फोड़ देगा, क्योंकि टोनी स्टार्क है ना आयरन मैन है। अबे यार फूटी किस्मत यार, सिग्नल भी लग गया। चलो सिग्नल टूट गया। तू चुप रहे चौप, तेरी वजह से हुआ है। माफ कर देना फ्रैंकलिन भैया। ठीक है चलो गाइस चलते हैं टोनी स्टार्क के पास। अरे यार और कितना समय लगेगा फ्रैंकलिन भैया? चौप के बच्चे हम लोग पहुंच ही गए हैं। वेट अ सेकंड, ये आसमान में से क्या आ रहा है यहाँ पे चौप? अरे मुझे क्या पता। अरे तो तेरे को क्या पता होता है, चोरी करना। अरे यार मैंने कहा आप मुझे बहुत टॉन्ट मार रहे हो। ओ माय गॉड यहाँ पे तो शिनचैन टोनी स्टार्क और सारे एवेंजर्स भी आ गए हैं। लगता है गाइस बहुत ही बड़ा मामला है। अच्छा चौप जल्दी जल्दी। ओ तेरे की यार ये क्या मशीन है भाई, टोनी ने तो इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं मुझे।
मुझे लगा कोई मॉन्स्टर आया है, लेकिन ये लेजर कहाँ से आ रही है और ये कंट्रोलर कैसा है? टोनी मैं आ गया। अरे अरे हाँ मैं भी आ गया। हाँ चोर चौप भी आ गया। नहीं यार ऐसा मत बोलो। ओह माय गॉड फ्रैंकलिन भैया आप इसको चोर क्यों बोल रहे हो? शिनचैन ये लंबी कहानी है, बाद में कभी बताऊंगा। टोनी क्या हुआ? फ्रैंकलिन तुम आ गए, यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। हाँ तो शॉर्ट में समझा दो ना। ये गड़बड़ है डायमेंशन की गड़बड़। इस गॉड की कसम यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशन के पोर्टल खुल गए हैं और उसके अंदर स्पाइडरमैन के दुश्मन घुस गए हैं। मैं होता तो तोड़ देता। अल्ले हाँ फ्रैंकलिन ये मेरी गलती नहीं है, मैं उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, वो साली की साली गलती अल्ट्रॉन की है। क्या बोल रहे हो, डायमेंशन और अल्ट्रॉन उनका क्या चक्कर है? अल्ट्रॉन ने किया है क्या ये? सही कहा फ्रैंकलिन, ये बहुत लंबी कहानी है। हाँ तो समझा दो ना, मुझे कैसे कुछ समझेगा? बात तो बराबर है, ये कहानी तब की है जब मैं इसी मैदान में अल्ट्रॉन के साथ लड़ने के लिए आया था। तभी हुआ यूँ था कि मैं उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा था, वो जब जब खड़ा हो रहा था तब तक मैं उसको मार रहा था। वेट अ सेकंड, लेकिन इसका कलर क्यों ऐसा है? मुझे तो लगता है टट्टी के अंदर गिर गया होगा। चौप चुप हो जा। तुम लोग चुप हो जाओ। इसका कलर ऐसा है क्योंकि वो बहुत ताकतवर था, लेकिन फिर भी मैं उसको हरा रहा था, मार रहा था, उठा उठा के फेंक रहा था, और एक टाइम पे मुझे लगा मैंने उसको हरा दिया और मैं आगे निकल गया। तभी वो पीछे से उठा और मेरे ऊपर हमला कर दिया और मुझे घायल कर दिया। मैं आगे जाके गिर गया और तभी मैं देखता हूँ कि वो आसमान में उड़ गया, और आसमान में उड़ने के बाद उसने जमीन के अंदर एक बड़ा सा छेद कर दिया अपनी लेजर पावर से, और उसके अंदर जो चीज थी वो बहुत खतरनाक थी, वो बाहर आ गए। अरे तो इसमें क्या है, ये तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती, इसको हम लोग तोड़ देंगे। ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसने उस मशीन को कैसे वैसे करके स्टार्ट कर दिया। आसमान से एक जोरदार लाइट उसके ऊपर आ गई और वो मशीन चालू हो गई, और उस मशीन के अंदर से अलग अलग मॉन्स्टर्स बाहर आए, जो कि कुछ बहुत डरावने थे और कुछ बहुत ही ताकतवर थे। अब तुम देखोगे टोनी स्टार्क तुम्हारे अलग अलग मल्टीवर्स में जाके, मैं तुम्हें अच्छा मजा चखाऊंगा, बाय बाय। ये धमकी देके सारे के सारे मॉन्स्टर अलग अलग मल्टीवर्स में मुझे खत्म करने के लिए निकल पड़े, और मैं बस देखता रहा कमजोरों की तरह, और उसके बाद वो भी वहाँ से गायब हो गया। अरे तो टोनी भैया वहाँ पे तो हलचल मल जाएगी अलग अलग डायमेंशन में। हाँ जो अब तुमने सही कहा, इसलिए तो हम लोग इस पोर्टल की पिंक कलर की लेजर बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो ही नहीं रही। टोनी स्टार्क ये लेजर तो कब की बंद हो गई है? क्या कहा, बंद हो गई है? अब तो हम लोग इसके अंदर जा सकते हैं और अल्ट्रॉन के लोगों को और अल्ट्रॉन को रोक सकते हैं, और तो और स्पाइडरमैन के तीन अलग अलग एलिमेंटल सूट को भी अल्ट्रॉन चुरा के लेके गया है। अल्ले हाँ फ्रैंकलिन मेरे सूट को वापस लाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। सही कहा फ्रैंकलिन, जाओ जल्दी। हाँ हाँ क्या क्या मैं? अरे मेरे को तो तुमने बस बातें सुनाने के लिए बुलाया था, मुझे अंदर जाना है। अरे जाओ फ्रैंकलिन भैया डरपोक कहीं के। चौप द चोर चुप हो जा। मैं तो चोर हूँ आप तो डरपोक हो। अरे यार टोनी तुम बढ़िया फंसाती हो, लेकिन क्या करना है? अंदर जाओ और स्पाइडरमैन के जो सूट चुराए हैं उन्हीं के पास तुम्हें मिल जाएंगे, और वहीं पे तुम्हें वो तीन विलन्स भी मिल जाएंगे, उन्हें खत्म करो। और अल्ट्रॉन के पास एक मैजिकल एक होगा, उसे फिनिश करोगे तो तुम वहाँ से बाहर आ सकोगे। ले दाओ फ्रैंकलिन एलिमेंटल सूट को बताओ। अब क्या ही करे, सब लोगों ने ठान लिया है। ठीक है चलो मैं अंदर जा रहा हूँ, मुझे कर देना टेलीपोर्ट। ठीक है फ्रैंकलिन मरना मत। अबे यार गाइस लोग बोलते हैं अच्छे से जाना, ये बोलता है मरना मत। मैंने चालू कर दिया। फ्रैंकलिन भैया तो डरपोक, चलो वो तो गए। अरे वैसे चौक मेरे को एक बात बता, तेरे को फ्रैंकलिन भैया चोर क्यों बुला रहे थे? क्या चुराया तूने चोर कहके, बता मुझे। मम्मी मैंने चोरी नहीं की। तुम लोग थोड़ा चुप रहो, अब देखते हैं फ्रैंकलिन अंदर जाने के बाद क्या करता है, कितने समय में वापस आता है। अगर वापस नहीं आया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ये कहाँ पे जा रहा हूँ, कोई तो मेरी बुराई कर रहा है, पक्का चौप होगा। चौप मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं नहीं। गिरा 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 गिरा, आउच आउच। बाप रे बाप, कहाँ पे आ गया यार, ये कौन सी जगह है? वेट अ सेकंड गाइस, ये तो बहुत ही अजीबोगरीब प्लेनेट लग रहा है, पक्का मैं दूसरे डायमेंशन में आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत ही खतरनाक है और डार्किश है। वो तो बात की बात है, पहले हम लोगों को एलिमेंटल सूट को ढूंढना चाहिए, या वो तीन विलन्स को या अल्ट्रॉन को। मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। अब ये किसका कॉल आ गया भाई, यहाँ पे भी मेरे को सूट चेन है ही नहीं। टोनी
तुम? फ्रैंकलिन, मैं तुमसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैंने तुम्हें जो लोकेशन भेजी है, जल्दी जल्दी वहाँ पे जाओ। वहाँ पे तुम्हारा पहला एलिमेंटल सूट मिलेगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से, वहाँ पे पहला विलन भी हो सकता है। ओके गाइस, ये वाली जो लोकेशन है बहुत दूर तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे भी वही सुकून है गाइस। गाड़ी चुराने का ये लगाई मैंने नीचे से वायर को वायर और ये चालू हो गई। इट्स गो, मैं आ रहा हूँ पहले विलन, खत्म कर दूंगा तुम्हें। लेट्स गो। ऐसे वैसे करके गाइस मैं लोकेशन के बहुत नजदीक जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर यहाँ पे मैं मर गया तो क्या करूंगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसी के अंदर जाना है। वेट अ सेकंड गाइस, ये बोट के अंदर लोकेशन दिखा रही है। पक्का स्पाइडरमैन का पहला एलिमेंटल सूट इसी के अंदर होगा और पहला विलन भी हमें यहीं पे मिल सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान से जाना पड़ेगा। कहां से जाए? ओहो, वहां पे तो स्टेयर से। मैं भी कितना दिमाग लगा रहा हूँ, स्टेयर से निकल लेते ऊपर की साइड। चलो 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 चलो, फाइनली मैं बोट के ऊपर आ गया हूँ। लेकिन पहला सूट कहाँ पे है? ये क्या है? ये विलन तो यही पे है, लेकिन इसने इस मासूम बच्चे को कैद क्यों किया है? अरे अंकल प्लीज बचाओ। तो मेहमत है तो बच्चे को बचा के दिखाओ, बीच में मैं खड़ा हूँ। इसकी ऐसी की तैसी, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत बढ़िया, फंस गए। फ्रैंकलिन, तुम जाल में फंस गए हो। टोनी, मतलब इसको मारूं मैं अभी के अभी? नहीं, उसको हाथ मत लगाना। मैं एक सबसे खतरनाक विलन हूँ। मैं जहाँ पे खड़ा था वो एक गैस पंप का बटन है। क्या, ये वाला? अब वहाँ पे कोई वजन नहीं है तो सेंसर्स गैस छोड़ देंगे, उससे क्या होगा देखना है। तो ये देखो। ये अंकल बचाओ, ऐसा मत करो, उसको चलाओ मत। अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? एक काम करता हूँ, मैं इसके ऊपर खड़ा हो गया। बंद हो जा, बंद हो जा। ये अंकल शुक्रिया, मुझे बचाने के लिए मैं चल गया। तुम तो बहुत घिनौने हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। ना ना मुन्ना, हिलना मत, नहीं तो बच्चा चलेगा। अरे यार, गैस का बटन यहाँ पे कौन रखता है? अब तो तुम गए। मैं तो इसको नहीं मार सकता गाइस, लेकिन ये मुझे मार सकता है। मैं बहुत शातिर हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है, मैं हूँ, डरने की क्या बात है? जब मैं हूँ तो तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तुम तो गए। ये ले, ये क्या हो गया, कहाँ पे चला गया? अरे मुझे लगता है ये इस यूनिवर्स का स्पाइडरमैन है। बच्चे तुम कहाँ से आए हो? मैं अलग डायमेंशन से आया हूँ। आप एक काम करो ना, यहाँ पे खड़े हो सकते हो, मैं उस बंदे को निपटाता हूँ, मुझे हिसाब बराबर करना है। ऐसी बातें, कहाँ पे? थोड़ा ध्यान से आना, ठीक है? ओके बच्चे, मैं खड़ा हूँ। शुक्रिया इस डायमेंशन के स्पाइडरमैन। लेकिन मेरे पास तो सूट भी नहीं है। टोनी स्टार्क ने कहा था यहीं पे कहीं पे तो सूट हो सकता है। वेट, वो रहा, ऊपर तो पहुंच गया हूँ। चलो इसको इक्विप करते हैं। ये तो गाइस फायर एलिमेंटल स्पाइडरमैन सूट लग रहा है। चलो अब आएगा ना मजा। आउच आउच आउच। चलो उसे खत्म करते हैं। उससे पहले ये गैस लाइन का कुछ करना पड़ेगा। अगर मैं पाइप लाइन ही तोड़ दूं ये ले तो गैस खत्म हो जाएगी। ये खा, तोड़ देता हूँ इसको। यस, ये दोनों बीच से निकल गई फाइनली। बच्चे तुम सुरक्षित हो। ये अंकल शुक्रिया। वो कहाँ पे है? कहाँ पे गया वो विलन? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पकड़ के दिखाओ। यही पे कहीं पे है। सामने आ जाओ डरपोक। ये बहुत शातिर है गाइस। आ गया गाइस सामने नमूना। तुमने मेरे प्लान को फ्लॉप कर दिया। फ्लॉप तो हो गई, क्योंकि वो घटिया जो प्लान था, बच्चों को आगे रख के क्या ही कर लेगा। तुम्हें अल्ट्रॉन ने बनाया है तो तुम्हारा अंत तो मैं ही करूंगा। वो गाइस, ये जो फायर एलिमेंटर स्पाइडरमैन सूट है बहुत ऑसम है। स्पाइडरमैन हैट्स ऑफ, अच्छा है तेरा सूट चुराया है। टोनी स्टार्क का नहीं, बेवकूफ का सूट हमेशा गलती कर देता है। क्या कहा फ्रैंकलिन? अरे तुम तो सुन रहे हो ना। ऑलराइट गाइस, इसको तो मैंने निपटा दिया। ये ले इसकी ऐसी की तैसी। गया गाइस, निपट गया फ्रैंकलिन। अब मैं तुम्हें फिर से टेलीपोर्ट कर रहा हूँ, इस डायमेंशन का काम हो गया। क्या इतनी जल्दी? मैं बच्चे से मिला भी नहीं हूँ। तब तक के लिए टेलीपोर्ट। क्या नहीं? आउच 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 आउच। ओ आ लग गई। बाप रे बाप, टोनी स्टार्क ऊपर से गिराता रहता है। इतिहास पे तो बहुत तेज बारिश हो रही है गाइस, ये पक्का कोई और डायमेंशन लग रहा है। अब मुझे कहाँ पे जाना है? पहले तो मैं बाहर निकल लेता हूँ। स्पाइडरमैन का ये फायर सूट तो पूरी तरीके से गीला हो गया, इसकी पावर तो पूरी तरीके से डाउन हो गई है। फ्रैंकलिन, मैंने तुम्हें एक और लोकेशन दिया है, बकवास मत करो, वहाँ पे चले जाओ। ऐसी बातें, ये लोकेशन तो गाइस बहुत दूर नहीं है, बल्कि ये मिलिट्री बेस की लोकेशन है और वो सामने की तरफ है गाइस। आराम से अंदर तो मैं आ गया हूँ गाइस मिलिट्री बेस के अंदर। फ्रैंकलिन थोड़ा बच के, मिलिट्री वाले दुश्मनों का साथ दे रहे हैं। सही कहा, तार को लाद के मैं सीधा अंदर पहुंच चुका हूँ। गाइस कहाँ पे हो सकता है वो एलिमेंटल सूट, क्योंकि उसी के पास तो वो विलन मिलने वाला है। गाइस सामने से एक ट्रक जा रहा है, छुपना पड़ेगा मुझे। चलो 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 चलो, यहाँ पे तो गाइस एक मिलिट्री वाला है। क्या करूँ, आराम से छुपके से जाता हूँ। ओके कूद गया, इसका ध्यान नहीं है। और ये कूदा
तेरी ऐसी की तैसी, ये ले। इसने मेरे ऊपर फायर नहीं किया। ओके ओके ओके, बच गया। अगर गाइस इसने मेरे ऊपर फायर कर दिया तो बाकी मिलिट्री वाले अलर्ट हो जाएंगे, इसको निपटाना पड़ेगा। ये ले बेवकूफ, ये ले। ओहो निपट गया, अब चलो आराम आराम से चलते हैं गाइस, कोई मुझे देख ना ले। अब मुझे बीच से भागना होगा। चलो चलो चलो, ऊपर देखो, ऊपर एक हेलीकॉप्टर भी घूम रहा है। शिट, मैं पूरा फंसा और ये पूरा मैदान ओपन है। नहीं, ये मेरी तरफ आ रहा है। गाइस पक्का इसने मुझे देखा नहीं है ना, नहीं तो मेरी वाट लगने वाली है। जल्दी 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 जल्दी, बच गया बच गया बच गया। अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा, लेकिन अभी भी गाइस सामने की तरफ रास्ता है। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हम लोग ये प्लेन को लेके सीधा अंदर चले जाए तो हमें कोई नहीं पकड़ पाएगा। चलो 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 चलो, यहाँ पे तो हम लोग छत्र छाया में सुरक्षित है, अब अंदर चलते हैं। खुल जा खुल जा खुल जा। ओके खुल गया, बहुत बढ़िया फ्रैंकलिन, अब तुम्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा, आराम से लेके जाना, अंदर ही वो सूट है। ये आइडिया तो बहुत मस्त था, लेकिन मैं भूल गया, इसके पंख इतने अंदर नहीं जा पाएंगे। शिट शिट शिट, कूदो 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 गाइस, इससे तो मिलिट्री को पता चल जाएगा। आउच आउच, बाप रे बाप, वेट ये रहा सूट। वैसे गाइस इस सूट को हासिल करना बहुत इजी था, ये बिल्कुल भी वाटर एलिमेंट का सूट लग रहा है। चलो इसको इक्विप करते हैं, 3 2 1। वो ये वाली पावर्स तो गाइस बिजली की पावर्स है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। ओ माय गॉड, सारे मिलिट्री वालों को पता चल गया, मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, ये सूट के अंदर तो अलार्म लगा हुआ था। अब कोई दिक्कत की बात नहीं गाइस, इनको तो मैं ऐसे ही निपटा दूंगा। ये ले ओ बिजली की पावर्स। गाइस एक ट्राई करते हैं, क्या हम लोगों के पास वो चीज है। वो मियोनीर, टोनी तुमने तो बहुत बढ़िया सूट बनाया है, इसीलिए तो गाइस वोल्ट्रॉन ने ये सारे सूट चुराए। तेरी ऐसी की तैसी, ये खाओ। यहाँ पे तो बहुत सारे मिलिट्री वाले, लेकिन क्या ही करें, हम लोगों की पावर सबसे ताकतवर है। चलो 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 चलो, ये प्लेन को भी निपटा देते। यहाँ से फटक से निकलना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें ऐसे ही तंग करते रहेंगे। चलो 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 चलो, ये हुई ना बात, निकल गया। अरे बाप रे बाप, अब ये कौन है? सूट को वापस कर दो, नहीं तो मारे जाओगे। ये तो नामुमकिन है, तो मरो। वे कहाँ पे चला गया ये? आउच 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 आउच, ये क्या, इतना ताकतवर बंदा। मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लेना। ऐसी बात है क्या, ये ले। ऐसे नहीं मानेगा गाइस, इसको भाई पावर दिखाना ही पड़ेगा, अल्टीमेट पावर। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है, मेरी पावर को तो यूज करने का मौका ही नहीं दे रहा। शिट 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 शिट, एक काम करते गाइस, चलो ये वाला होना ही चाहिए, आ जा। वो ये खा, इसे कहते हैं गाइस पावरफुल अटैक। ये खा ये खा ये खा। गाइस एलिमेंटल सूट तो बहुत मस्त है, लेकिन यार ये अल्ट्रॉन ने जिस मॉन्स्टर को बनाया बहुत ताकतवर और बहुत खतरनाक भी है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग तो इसको ऐसे ही निपटा देंगे। एक फाइनल अटैक, ये ले भाई, जिससे भी नहीं मरा। ओके अब पक्का मर जाएगा। ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। ओ गाइस इसको तो मैंने जला ही दिया। मर गया क्या? फ्रैंकलिन कब खत्म हो गया, तुम्हें पहला दूसरा एलिमेंटल सूट और पहला दूसरा विलन मिल चुका है, अब तुम्हें मैं टेलीपोर्ट कर रहा हूँ, बस ऊपर से मत गिराना। अरे नहीं 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 नहीं, फिर से नहीं। इस बार तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई, मेरे पीछे वाले हिस्से को जोर से लगा ही नहीं। चलो यहाँ से चलते। और वैसे यार हम लोग फिर से कोई अलग डायमेंशन में आ गए है, पक्का यही पे कहीं पे तो वो सूट होना चाहिए, क्योंकि गाइस धीरे धीरे करके टोनी स्टार्क हमें एक्यूरेट लोकेशन के ऊपर भेज रहा है, तो यही पे कहीं पे सूट होना चाहिए। वेट, वो देखो सामने, ये तो वही तीसरा विलन है जिसका जिक्र टोनी स्टार्क कह रहा था। लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे है, और हमें जो चीज चाहिए वो ये रही, नेचर एलिमेंट स्पाइडरमैन सूट। ये तो ग्रीनरी का एलिमेंटल सूट है, इसके पास तो नेचर की पावर होगी, लेकिन हम लोग उसको कैसे हासिल करें, ये लोग तो मुझे देख ही लेंगे। वैसे मैं तो वाटर एलिमेंट का सूट पहना है ना, तो इसको मैं पानी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ट्राई करके देखते है। ओ मैंने पानी कन्वर्ट कर दिया, अब चलो आराम से, ये लोग तो मुझे देख भी नहीं पाएंगे। चलो 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 चलो, कोई देख नहीं रहा कोई देख नहीं रहा, आराम से, इनको तो पता भी नहीं चल रहा कब मैं नेचर एलिमेंटल सूट के पास आ गया हूँ। एलिमेंटल सूट का स्पाइडरमैन का सूट हो, हमें क्या ही करना है, हमें बस इसको लेना है। चलो चलो चलो, इसको ले लेता हूँ अपने अंदर और पहनते इसे। बापरे बाप बापरे बाप, इन लोगों ने कैसे दिख लिया, अरे मेरी पावर खत्म हो गई। ये वाला तो यार अलग एलिमेंटल स्पाइडरमैन सूट है, अब मैं क्या करूँ अब मैं क्या करूँ, मेरे पास है ना सबसे पावरफुल पावर, एलिमेंटल सूट है तो डरने की क्या बात। ये ले तुम सबको तो गाइस टोर्नेडो से हराऊंगा, मेरे पास है नेचर की
की शक्ति, नेचर की शक्तियों के साथ तुम्हारा खात्मा तो यही पे कर दूंगा। ओहो, कुछ लोग बचे हुए हैं, उनके लिए फिर से टोर्नेडो क्रिएट करते हैं। येलो 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 येलो, ओ मजा आ गया गाइस। इन सबको तो मैंने निपटा ही दिया एक ही झटके में, लेकिन कुछ यहाँ पे बचे हुए हैं तो इनको भी निपटा देते हैं। भाई क्या लाइटनिंग स्पीड से मैं भाग रहा हूँ, पक्का ये नेचर की पावर ही हो सकती है। ये ले आखिरी बचा हुआ है, तो इसको आराम से निपटा दे। ये ले 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 ये ले। ओहो हो 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 गाइस, स्पीड तो नोटिस करो आप, एक फाइनल टोर्नेडो। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, इससे सारे लोग खत्म हो जाएंगे और हम फिनिश हो जाएंगे। सबका खात्मा एक ही झटके में। गाइस कैसे उड़ गए हैं, टाइम को भी मैं स्लो कर पा रहा हूँ क्योंकि नेचर एलिमेंटल सूट है। फ्रैंकलिन तुम्हारे पास एक खतरनाक सी पावर भागते हुए आ रही है। अरे लेकिन हमें तीन एलिमेंटल सूट चुराने थे, अब चौथा कहाँ से लाऊं? फ्रैंकलिन सूट है ही नहीं, वो डिस्ट्रॉय कर दिया उसने। हाँ तो अब तुम्हें उससे लड़ना होगा और उसे पकड़ के लाना होगा। लेकिन कौन है वो? अल्ट्रा, सही कहा, दिख गया मुझे। लगता है तुम मेरे बहुत बड़े फैन हो, मेरे सारे विलेंस को खत्म कर दिया, अब तो तुम गए, तुम्हारा खात्मा मैं ही करूंगा, आ जाओ। बाप रे बाप, आउच आउच आउच, मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। शिट 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 शिट, कहाँ पे गया ये? इसने तो मेरे को यार पत्थर से ढक दिया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ पे भाग रहे हो, इधर आ जाओ। भाग नहीं रहा, तो मैं अच्छा मजा चका रहा हूँ, अब तो तुम गए अल्ट्रॉन। वैसे यार ये नेचर की पावर तो बहुत खतरनाक होती है, इसको निपटाते है। ये ले, कैसे हुआ? बेवकूफ, ये हुआ है एलिमेंटल सूट की वजह से। फ्रैंकलिन, हाँ टोनी स्टार्क, तुम्हारे सामने एक पोर्टल खुला है, देखो। हाँ दिख तो रहा है, जल्दी उसके अंदर से जाओ, काम खत्म हो चुका है। चलो गाइस, ये टाइम आ चुका है इस यूनिवर्स को बाय बाय करने का, लेट्स गो। फाइनली मैं बाहर आ गया। ओ ये पोर्टल थोड़ा सा उड़ गया है, मेरे हिसाब से गाइस सब कुछ खत्म हो गया है। फ्रैंकलिन बहुत बढ़िया, हमने इसको पकड़ लिया है और सारे के सारे सूट भी मिल चुके हैं, शुक्रिया। चलो कुछ तो ठीक हो गया। चौप चोर चौप, अरे मैं चोर नहीं हूँ। अरे ये चोर का क्या मामला है? इस गाड़ी की कसम, देखना पड़ेगा। तो गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियोस के अपडेट के लिए वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।